Our third episode is related to same psychological first aid, and these are included with the three type of questions available here. The first question is difference between psychological first aid versus mental health first aid. Yes, very good question. हम इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड क्या चीज है और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या चीज है. जैसे मैंने पहले बताया कि साइकोलॉजिकल हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि फर्स्ट एड जो कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है. इसके अंदर ये हो रहा होता है, दोनों चीजों के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमने यहाँ पे नोटिस करनी है. पीएफए जो है वो बेसिकली होता है इमीडिएट को आपके पास आ रहा है शॉर्टर टर्म के लिए, यू आर प्रोवाइडिंग दैट एड टू दैट पर्सन, ठीक है. तो पीएफए का मकसद ये है कि आप इमीडिएट तौर पर आप शॉर्टर टर्म के लिए उसको एड प्रोवाइड कर रहे होते हो. मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड में क्या हो रहा होता है कि हम कब तक वो एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब तक वो प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो जाता, ठीक है. नेक्स्ट इज पीएफए. अगर की बात हम की सिर्फ करते हैं तो ये एजुकेट करता है नॉन प्रोफेशनल्स को भी, मतलब इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी अंडरस्टैंड कर, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है. जहां तक अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की, तो ये ज्यादातर मेंटल हेल्थ काउंसलर को सिखाया जाता है और मेंटल हेल्थ काउंसलर ही ये फर्स्ट एड आपको दे रहे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज के जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है वो एड्रेस करता है आपके प्रैक्टिकल केयर एंड सपोर्ट. जैसे मैं लास्ट एपिसोड में बताया आपको कि प्रैक्टिकल केयर मतलब कि आपको जो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको आप इमीडिएटली इसको क्विकली आप इसको रिजॉल्व करो, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, जिसको इस चीज की जरूरत है इसको ये दे दो, उसको इस हेल्प की जरूरत है उसको यहाँ रीडायरेक्ट कर दो. इट मीन्स कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के अंदर हम प्रैक्टिकल केयर और प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. मेंटल हेल्थ के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो पहले कि क्या इंडिकेटर्स हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, प्रोफेशनल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है आपके साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड से, राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज फॉर एवरीवन. जैसे मैंने कहा कि कोई भी इसको सीख सकता है, कोई भी इसकी ट्रेनिंग ले सकता है, कोई भी इसको नॉर्मली जैसे हम कहते हैं पढ़ के समझ के हम किसी को भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. इट इज अ डेली एड टू फेसिंग द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एंड हेल्प पार्टिसिपेंट्स गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हेन समवन एल्स इज यू नो एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस एंड हाउ टू ऑफर हेल्प. Whereas, if I talk about mental health first aid, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें जो लोग हैं जो कि mental health providers हैं उनको हम सिखा रहे होते हैं कि जी जो actual mental health condition है उसमें help कैसे offer करनी है, उसका एक तरीका है proper, उसका एक treatment है उसका proper, उसका एक proper एक way out है जो कि हम PFA में use नहीं कर सकते, but yes mental health first aid के अंदर हम उस चीज को हम use कर रहे होते हैं. तो हम अगर इसको बिल्कुल मैं इसको summarize करूँ इस पूरे दोनों चीजों को quickly, I would like to call this PFA as a building block. ठीक है, PFA quick building block है, ठीक है, जो कि further follow कर रहा है कहाँ पे, first mental health first aid की तरफ. कोई आपके पास आया, उसने आपसे help मांगी, emotional distress का शिकार था वो, उसने आपने उसको immediately बताया कि भाई तुम्हारा ये मसला है, तुम यहाँ सुकून से बैठ जाओ, पानी छानी पियो, you are feeling fine, you are feeling okay, हम तुम्हारे लिए help करेंगे. आपने इसको redirect करा दिया किसी mental health counselor के पास. Rest अब जो बाकी काम वो mental health counselor करेगा, first aid के तौर पर देखेगा कि क्या indicators हैं इसके, क्या symptoms हैं, क्या इसके कोई खुदा ना खासा कोई ऐसी बात है जो कि disorder में की तरफ तो नहीं जा रही, कोई ऐसी हमने कोई जिसे कहते हैं mental health condition तो नहीं diagnose करनी हमने यहाँ पे. तो ये चीज इस तरीके से हमने notice करनी होती है. तो PFA में और आपके mental health first aid में ये differences होते हैं. Yes, that is the good answer, the difference between these two kind of things. The next question is, what is the difference between psychological first aid and treatment? Okay, again, वही वाली बात कि अगर हम कहें कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के अंदर हम बहुत ही शॉर्टर टर्म के लिए क्विक प्रोवाइड जैसे कहते हैं ना हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पीएफए इज नॉट ट्रेडिशनल साइकाइट्रिक और प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, ठीक है, इट्स नॉट दैट ट्रीटमेंट. क्योंकि आपने अभी नोट किया होगा कि मैं लास्ट एपिसोड जो मैं बताती आई हूँ कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या है, कि किसी को बुला के सुनना, उसकी हेल्प करना. अगर ऑब्वियसली खुदा ना खासा वो साइकोटिक पेशेंट है, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की जरूरत है. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके करीबी दोस्त हैं, या फिर कोई सडनली जिसको पता हो कि यार आप अच्छा सुनते हो, कोई आपका फैमिली फ्रेंड ने किसी के भेज दे कि ये बंदा परेशान है, इसको खतरनाक किस्म का डिस्ट्रेस चल रहा है, आपने इसको बुला के से चार बातें करी, इससे पूछा किस चीज की जरूरत है, आप उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप उसके अंदर कोई जैसे कहते हैं ये मेडिकेशंस यूज नहीं हो सकती उसके अंदर, कोई भी उसके अंदर काउंसलिंग सेशंस नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो है इट्स जस्ट अ क्विक शॉर्टर काइंड ऑफ
स्ट्रैटेजी जो कि एज अ टूल हम यूज करते हैं ताकि आपको कोई करंट अगर इमीडिएट कोई मेंटल स्ट्रगल चल रहा है उसको हम रिजोल्व कर सके, उसको हम एटलीस्ट एलिवेट कर दें ताकि वो कहीं और जाने के लायक हो सके इंसान। ठीक है, जहां तक बात इसकी है कि हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, हमें सिर्फ क्या कम करनी होती है, हमें ये कम करना होता है उसका डिस्ट्रेस है वो कम हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में ये नहीं हो रहा होता। ट्रीटमेंट में जब आप आ रहे होते हो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, आपको पूरा एक तो बैकग्राउंड क्लिनिकल इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें सब चीज हम देख रहे होते हैं क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या इसके ट्रिगर्स हैं, क्या इश्यूज हैं, बैकग्राउंड क्या है, अभी के क्या इश्यूज हैं, कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही, मेडिकेशन का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके साथ उसके प्रॉपर जैसे कहते हैं सिम्टम्स, हमारे पास एक क्राइटेरिया सेट है, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि क्या ये क्राइटेरिया पे पूरा बैठ रहा है, इज ही मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर, या ये डायग्नोसिस हम दे सकते हैं। डायग्नोसिस देने के बाद वी मेक अ प्रॉपर प्लान जिसमें हम डिफरेंट मोडालिटीज यूज करते हुए उस इंसान के ऊपर यूज करते हैं ताकि उसका ये प्रॉब्लम जो लॉन्ग ऑनगोइंग प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके। इट टेक्स टाइम बेसिकली। तो पीएफए इज डेफिनेटली लाइक वेरी मच डिफरेंट देन द प्रॉपर ट्रीटमेंट। यस, इट्स लाइक अ स्टार्टिंग, जिस तरह अब भी ये होता है, लेकिन पुराने जमाने में भी ये होता था कि जो दादियां या नानियां होती थी वो इस तरह का रोल बड़ा परफेक्ट अदा करती थी कि कोई डिप्रेशन एंजाइटी में हो तो वो पहले बुलाती थी, उसकी नीड को सुनती थी, फिर उसको तसल्ली देती थी, और वो जो वो फिर रोती थी या रोता था तो उसका वो ना कैथारसिस के थ्रू अपना जो है ना कामनेस हो जाता। आई थिंक दैट इज द एग्जांपल ऑफ द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। एंड जिस तरह आपने अब बात की है कि अगर वो बहुत ज्यादा उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स या डिप्रेशन एंजाइटी पहले की एक एपिसोड चल रहे हैं और वो ट्रिगर होते रहते हैं, तो अगर वो साइकोटिक है तो फिर हमें आहिस्ता जो है आहिस्ता ग्रेजुअली उसको मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए। एंड दैट इज द वंडरफुल आंसर फ्रॉम योर साइड। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, होम टू कंसल्ट इफ द पर्सन इज नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट एंड वेयर टू कंसल्ट। या गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हमें बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो कि दे कॉलिंग मी डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट। आई एम नॉट अ साइकाइट्रिस्ट, आई कैन बी रेफर्ड एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ मेंटल हेल्थ कोच और काउंसलर, बट नॉट अ साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ कोचेस, इन तीनों में डिफरेंस है, और मैं वो डिफरेंस आज इसलिए बताना जरूरी है यहाँ पे सिंस वी आर रेजिंग द अवेयरनेस अमंग डिफरेंट पीपल। तो हमारे जो आम लोग हैं, जो हमारी आम आवाम है, उनको पता होना चाहिए कि हमने किधर जाना है, किससे कंसल्ट करना है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम साइकाइट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट समझ रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट को हम साइकाइट्रिस्ट समझ रहे होते हैं, और कुछ ऐसे कोचेस भी हैं जो अपने आपको शायद बोलते हैं जब हम साइकोलॉजिकल इशूज हम डील कर रहे हैं, तो हम वो कोच वो डिफरेंट है साइकोलॉजिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट डिफरेंट है साइकोलॉजिस्ट से। अब क्यों डिफरेंट है मैं बताऊँ कि साइकाइट्रिस्ट आर प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर्स, राइट, साइकोलॉजिस्ट और नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, पहली चीज। नंबर टू, साइकाइट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशन, साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशन। कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, इलीगल है, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू डील अ पेशेंट इफ यू आर साइकोलॉजिस्ट। आप मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस आपने साइडी ना किया हुआ हो, उसके साथ आपने मेडिकेशन की जो है वो प्रॉपर डिग्री ना ली हुई हो, तो आप नहीं इसको इजिली प्रैक्टिस कर सकते। पाकिस्तान में तो चीज अभी तक स्टार्ट हुई भी नहीं है। तो आई थिंक जो साइकाइट्रिस्ट है उनको आप दिमाग में रखें कि वो आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, साइकाइट्रिस्ट कैन डायग्नोज इलनेस, आपका मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट का जो आप का जो इसे कहते हैं ना कि पूरा एक मोडालिटी बनाना, एक ट्रीटमेंट बनाना, इसका प्लान एक तैयार करना, साइकाइट्रिस्ट वो कर रहे होते हैं। प्लस दे आर दे कैन इजीली प्रोवाइड यू अ रेंज ऑफ डिफरेंट थेरेपीज एज वेल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस मेंटल इलनेसेस। साइकोलॉजिस्ट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है? इट्स अ टॉक थेरेपी टू हेल्प पेशेंट, टू हेल्प क्लाइंट, कि अगर उसके इश्यूज कुछ इस तरह के हैं जहां पर उसको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है और उसको सिर्फ उसके कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस चल रहे हैं जो कि उसको जिसे कहते हैं ना थिंकिंग इश्यूज हैं, एंजाइटी इश्यूज हैं, या फिर जो है डिप्रेसिव एपिसोड, इस तरह के जहां पे हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं लग रही होती, जहां पे हमें लगता है कि हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को बेहतर करने से, हमारे थिंकिंग एरर्स को बेहतर करने से इंसान बेहतर हो सकता है, तो वो जाएगा साइकोलॉजिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेंटल हेल्थ कोचेस, अभी तक ये डोमेन में इतना ज्यादा वर्क नहीं हुआ है, पाकिस्तान में लोग हैं लेकिन कम है मेंटल हेल्थ कोच की लाइन में। आजकल आप सुन रहे हो एनएलपी प्रैक्टिशनर बहुत सारे इन हैं और लोग जो है अपने आपको साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी एडीसीपी पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत से लोग पाकिस्तान में एडीसीपी करने के बाद
उसको इजीली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि आप एमफिल करके पीएचडी करके उसके बाद अपने आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहें तो दैट इज बेटर। बिफोर दैट अगर आपने एमएस या एडीसीपी किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर तो आप मेंटल हेल्थ काउंसलर कहलाते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ कोच की, कोच कौन है? कोच इज द मेंटल हेल्थ कोच इज अ टाइप ऑफ लाइफ कोच, ठीक है। लाइफ कोच कौन है? जो कि स्पेशलाइज करता है, पढ़ता है किस चीज को, आपके नॉन क्लिनिकल मेंटल हेल्थ इशूज। मैं क्लिनिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात नहीं कर रही, जो कि हमारे पास DSM-5 में गिवन होता है उसमें सारे उसमें से कहते हैं ना कि इसके थ्रू हम डायग्नोसिस तैयार कर रहे होते हैं, क्लिनिकल इश्यूज हैं अगर या उसके सिवियर टू प्रोफाउंड इश्यूज हैं, उन केसेस को कोचेस जो है वो डील नहीं कर सकते। अगर कोई कह रहा है ऐसा तो वो गलत कह रहा है। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग योर मेंटल वेलबींग। जैसे कि अगर आप इस बार बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आपको कोई बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फिजिकल हेल्थ को इशू है आप डॉक्टर के पास गए, आपने उस पर अपनी दवाई लिखवाई और वापस आ गए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बीमार पड़ू ही नहीं, मुझे फिजिकल इश्यूज जब डील करने ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अपने किसी फिटनेस कोच को आप कॉन्टैक्ट करोगे। वो कोच आपको क्या बताएगा? एक्सरसाइज बताएगा, अच्छा खाना बताएगा, हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन बताएगा, ताकि आप बीमार ही नहीं पड़ो। एक्चुअली मेंटल हेल्थ कोच यही कर रहा होता है कि अगर आप कहीं स्टक हो, आपकी मेंटल वेलबींग जरा सी डिस्टर्ब आपको नजर आ रही है, आपको लग रहा है आप अपनी लाइफ के फर्दर गोल्स नहीं बना पा रहे हो, तब आप जाते हो मेंटल हेल्थ कोच के पास कि जी मुझे नेक्स्ट क्या करना है ताकि मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो बची रहे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट एंड कोच। That is very wonderful. I think psychologist, psychiatrist or mental health coach or mental health counselor, इसमें बड़ा डिफरेंस है। हालांकि हर बंदा ही इसको कहता है कि ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, but it is not the same thing like this. And this is the wonderful episode regards the psychological first aid or emotional first aid. And I think that is the conclusion of the today. That is, first of all, अगर आपको कोई भी पैनिक अटैक है, आप कोई भी परेशानी, कोई भी नीड है, तो सबसे पहले आप जो है एक सपोर्टिव बिहेवियर वाले शख्स को ढूंढें और जाके वहां पे आप अपनी नीड को जो है शेयर करें, ताकि आपका जो है वो अंदर से जो कैथारसिस है प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद जो है अगर आपको जरूरत है मेंटल हेल्थ काउंसलर की, तो फिर हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दैट इज द एंड ऑफ द एपिसोड 3।